राजधानी के पुराने सीमापुरी इलाके में मंगलवार सुबह एक मकान में भीषण तरीके से आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। मरने वालों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। चारों की मौत दम घुटने से होनी बताई जा रही है। हालांकि सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग की टीम ने चार गाड़ियों की मदद से आग पर काबू भी पा लिया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और मकान की तीसरी मंजिल पर चारों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने सभी के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। दरअसल दमकल विभाग को दिल्ली के शहादरा जिले की पुरानी सीमापुरी इलाके में मंगलवार सुबह 4:07 पर एक मकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्काल ही दमकल विभाग के चार गाड़ियां मौके पर पहुंची और बचाव एवं राहत कार्य में जुट गई। दमकल विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मकान के तीसरे माले पर रह रहे एक ही परिवार के चार लोगों की तब तक मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई। मरने वालों में दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं, जिनकी पहचान 59 वर्षीय हरिलाल, उनकी पत्नी रीना, 24 वर्षीय बेटा आशु और 18 वर्षीय रोहिणी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक हरिलाल शास्त्री भवन में कर्मचारी था, जो कि मार्च 2022 में रिटायर्ड होने वाला था, जबकि बीवी रीना भी निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थी।